दोस्तों बेबाक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया और इस बेल आइकन को दबाकर खबरें पाएं सबसे पहले। गुरमीत राम रहीम तो 20 साल के लिए जेल में चक्की पीस रहा है, लेकिन उसकी मुंह बोली बेटी उसको भगाना चाहती थी और अब वो फरार है। इस मामले में एक बड़ा खुलासा हो गया है, क्योंकि पुलिस को हनीप्रीत का पता चल चुका है। लंबे समय से इस मामले में हरियाणा पुलिस हनीप्रीत की तलाश कर रही है। पुलिस को शक है कि वो नेपाल भाग गई है। नेपाल के बॉर्डर के पास सभी थानों में हनीप्रीत के पोस्टर लगा दिए गए हैं। खबर ये है कि पुलिस को पूरी तरह से पक्का एड्रेस मिल चुका है, यानी पोस्टर लगाना तो सिर्फ पुलिस की चाल है। पुलिस कभी भी उसको गिरफ्तार कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल बॉर्डर के पास कपिलावस्तु, मोहाना, शोरातगढ़ और डेवारुआ के पुलिस थाने के पास हनीप्रीत के वांटेड वाले पोस्टर लगा दिए गए हैं और सभी को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। वहीं हनीप्रीत की तलाश के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने महाराजगंज, लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों के अलर्ट कर दिया है, क्योंकि ये जिले नेपाल बॉर्डर के पास है। कुछ दिन पहले हरियाणा पुलिस हनीप्रीत की तलाश में लखीमपुर खीरी गई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने इस बात की पुष्टि की थी कि हरियाणा पुलिस के दो जवान इस मामले में खीरी के गोरीपंटा सीमा पर जांच पड़ताल करने आए थे। हरियाणा पुलिस ने गोरीपंटा पुलिस के साथ हनीप्रीत के बारे में जानकारियां भी साझा की थी, यानी नेपाल से कभी भी हनीप्रीत को गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको बता दें कि जिस दिन राम रहीम को दोषी ठहराया गया था, उस दिन पंचकुला में हुई हिंसा के पीछे उसकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत का हाथ बताया जा रहा है और इसी मामले में पुलिस को उसकी तलाश है। ऐसे में ये पहली बार हुआ है जब पुलिस ने हनीप्रीत को गिरफ्तार करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाया हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस खबर को लाइक और शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को पल पल की अपडेट के लिए बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कीजिए।